Assalamu alaikum students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on our next video lecture, lecture number 8. Comprehension passage number 5 है. Passage को पढ़ने से पहले वही तीन चीजें आपके साथ दोबारा दोहराना चाहूंगा जो कि comprehension करने के लिए जरूरी है. पहली चीज यह है कि हमें पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है कि यह हमें अच्छी तरह समझ आ जाए. दूसरी बात, दिए गए सवाल को हमने अच्छी तरह पढ़ना है कि इनमें क्या पूछा गया है. और तीसरी बात यह है कि जिस पर्सन में सवाल पूछा गया और जिस पर्सन में सवाल टेंस में सवाल पूछा गया उसी पर्सन और उसी टेंस में हम जवाब भी देंगे. तो पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले. फॉर 3 years तीन साल तक द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस रीजन. आपको इसके तमाम रिश्तेदार इस वादी में रहे. मैनी ऑफ मुस्लिम क्लास गार्डन बहुत से दूसरे मुसलमानों ने इंग्लिश बोलने पर तैयार कर इनमें शामिल हो गए. ऑल से पायर टू दी वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ वाली का तमाम रसद जो है वो काट दी गई. मक्खन साठ में डेट मक्का वालों ने देखा कि डेट नो फूड एंड ड्रिंक रीच टू बनवाशन के बनवाशन तक कोई खुराक और पीने की चीज नहीं पहुंच रही थी. पुअर बनवाशन है ट्री ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड बुशेस. बेचारे बनवाशन के लोगों को दरख्तों की जड़ों और पत्तों और झाड़ियों की जड़ों और पत्तों पर गुजारा करना पड़ा. दी कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वाज पार्टिकुलरली पिटिएबल. जो बच्चों की हालत है वो खास तौर पर काबिले अफसोस थी. एट लास्ट सम काइंड हार्टेड मक्कन टू पिटी ऑन बनवाशन. आखिरकार कुछ रहम भी मक्का वालों ने बनवाशन पर रहम छाया. दे टोल्ड पीसेस द एग्रीमेंट हैंगिंग इन काबा. उन्होंने काबा में लटकाया गए जो एग्रीमेंट है उसके टुकड़े कर दिए. द हंगर स्ट्रिकन बनवाशन वर द सेवर टू कम बैक टू देयर होम. इस तरह भूख के सताए बनवाशन अपने घर वापस आने के काबिल थे. अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. पहला क्वेश्चन है हु लिव्ड फॉर 3 इयर्स इन द रेंज. तो हम हु को काटेंगे सवाल के अंदर. लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये वैसे ही रहेगा. तो हु को काट कर हम उसकी जगह लिख देते हैं द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स. ये पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड फॉर 3 इयर्स इन द वैली. नेक्स्ट क्वेश्चन हु जॉइंड हिज द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स. तो ये आजकल दूसरे सेंटेंस में मौजूद है. मैनी ऑफ द मुस्लिम्स जॉइन देम आल्सो. हम काट देते हैं इस दरमियान से तो मैनी ऑफ द मुस्लिम्स आल जॉइन देम. ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द मक्का मक्का वालों ने क्या किया. ये चौथे और पांचवें सेंटेंस में लिखा हुआ है उसको हम एब्रीवेट करके मुख्तसर करके लिखते हैं. दे कट ऑफ ऑल द सप्लाइज ऑफ फूड एंड वाटर फूड एंड ड्रिंक टू द वैली. तो दे कट ऑफ ऑल द सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बनवाशन. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. हाउ डिड बनवाशन लिव. बनवाशन कैसे जिए. तो सवाल के अंदर से हम इसको शुरू करते हैं. द बनवाशन लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सेकंड फॉर्म में लगा हम लगाएंगे द बनवाशन लिव्ड ऑन द लीव्स on the leaves and roots of trees and bushes. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. तो ये पूरा बन जाएगा द बनवाशन लिव ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड बुशेस. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की क्या हालत थी. ये इसके आगे दिया हुआ है द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पार्टिकुलरली पिटिएबल. बच्चों की हालत जो है वो वाकई अफसोसनाक थी. खास तौर पर अफसोसनाक थी. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 है हु टुक पीटीएम बनवाशन. टुक है पास इंडेफिनिट टेंस है. सेकंड फॉर्म की है टेक की. तो यहां पर ऐसे रहेगा हम हु को काटेंगे और उसकी जगह लिख देंगे सम काइंड हार्टेड मक्कन. तो ये बन जाएगा सम काइंड हार्टेड मक्कन टुक पीटी ऑन बनवाशन. कुछ रहम दिल मक्का वालों ने बनवाशन पर रहम किया. तो ये आपके सारे सवाल और के जवाब हो गए. आपने इस पैराग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और बड़ा अहम पैराग्राफ है. शुक्रिया.